अंकुश भैया और राजा भैया दोनों, अभी आपने एक गाना रिलीज़ किया अपने चैनल से, अंकुश राजा ऑफिशियल चैनल से। क्या मैसेज है अयांश को लेकर, सबसे पहले तो ये, और गाने को लेकर? सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, हम दोनों भाइयों को सबको प्यार और नमस्कार। बस ये गाना गाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस गाने को आप सब शेयर करिए, ताकि इस गाने से जितने भी रेवेन्यू जनरेट हों, जितने भी पैसे बने, सब अयांश के खाते में जाएंगे, अयांश के फंड में जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग जब भी कोई इंटरटेनर वाले गाने गाते हैं, इंटरटेन वाले, तो उसको मिलियन में व्यूज मिलते हैं। और हमको उम्मीद है कि इस गाने को भी आप सब बहुत ही बड़ा बनाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब सुनेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा इस गाने से, और सारा का सारा पैसा अयांश के फंड में जाएगा। तो आप सभी को ये गाना को जरूर सुनना है, ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, और आप लोग सुनेंगे तो किसी का जान बच सकता है। राजा भैया, आपका किस तरीके से जो गाना बनाने का थॉट आया, कैसे थॉट आया कि गाना बना के ही मदद के लिए अपील किया जा सके? थॉट बस हम लोग एक दिन आए थे यहाँ पर, पिछले दिन आए थे, तो ऐसा बच्चे को देख करके और इस परिवार को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग क्या कर दें अपने माध्यम से, जितना अंकुश राजा जितना क्षमता है वो ऐसा क्या कर दें हम लोग कि बाबू का जान बच सके। और हम लोग तो मतलब कि इतना बड़ा अमाउंट है कि हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, भाई ने बोला कि भैया गाना बनाते हैं और गाना से जितने भी रेवेन्यू आएंगे वो अयांश बाबू को जाएंगे, तो इसलिए हम लोग एक प्रयास किए। और एक और बात है भैया, ये जरूरी नहीं है कि गाना सुन के ही हम पैसा दे सकते हैं। एक और बात, ये जरूरी नहीं है कि हमारे गाना सुन के ही आप पैसा दे सकते हैं। आपको अगर अगर आपको अयांश बाबू के लिए एक कदम आगे आना है, तो उस गाने में UPI कोड, QR कोड, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर या तमाम जगहों पे भी मिल जाएगा आपको। तो प्लीज आप सब कृपया ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें इसमें आ गया, क्योंकि आपको पता है कि ये अमाउंट बहुत ही बड़ा है, तो आप सभी को आगे आना बहुत जरूरी है इसके लिए। अभी तक जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो खास करके भोजपुरी इंडस्ट्री, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी दिनों से हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के राकेश मिश्रा जी सिर्फ आए हैं, इसके बाद अभी तक कोई भी बड़ा स्टार कदम यहाँ पे नहीं रखा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या उन्हें आगे आना चाहिए? देखिए, बताते हैं, सबका अपना जीवन शैली है, और आपको भी पता है कि सारे लोग आज के टाइम में व्यस्त हैं, बिजी हैं, बट हम दोनों भाइयों को पूर्ण विश्वास है कि सारे लोग आएंगे और अपना मदद जरूर देंगे, हो सके कि हमसे बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़ के वो मदद करेंगे। हाँ, बस ये हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि अब टाइम हम लोग के पास बहुत ही कम है, अब सोचने का समय नहीं है, इसलिए हम लोग तो ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन अपने इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सब प्लीज आगे आइए और अपने फेसबुक माध्यम से, अपने वेबसाइट पर और आकर के मिलिए, ताकि और भी ये बड़ा हो सके और अयांश के लिए भरपूर मदद हो सके। खास करके फिल्म इंडस्ट्री के तो एक्टर तो हैं ही, लेकिन प्रोड्यूसर लोग, जो प्रोड्यूसर की बात करें, डायरेक्टर की बात, वो अभी तक सामने नहीं आए इंडस्ट्री की बात करें तो। इनके लिए क्या मैसेज है कि भाई वो भी आप आए आगे आगे? इनके इनके लिए सबको आना चाहिए, इनके लिए जो है, आप अभी जो गॉसिप और यून म्यूजिक जितने भी हैं, ये सारे इसीलिए हम लोग आप लोगों के लिए इसलिए हम लोग बुलाए हैं, ताकि ये सब न्यूज हमारे इंडस्ट्री के सारे लोग सुनते हैं, सारे लोग देखते हैं, और आप प्रिंट मीडिया से भी हैं, तो हमारे हमारे इंडस्ट्री से जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों के पास ये मैसेज जाएगा, सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ लोग उसमें से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो आप लोगों को है, जो कि सबका बात आप सब जन जन तक पहुँचाते हैं, और हमने की उम्मीद बा कि सब लोग आए, लेकिन बस यही बात कि अब ज़्यादा समय नहीं के, आप लोग जल्द से जल्द आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अयांश बाबू खातिर, ताकि हमने के जो सुरख करके चैलेंज बा जल्द से जल्द। और खाली भोजपुरी से ना,
हर प्रोफेशन में जे भी जोना प्रोफेशन में बाटे हमने के अगर जे भी गाना सुनता जे भी जोना प्रोफेशन में बाटे वो प्रोफेशन में उच्चतम श्रेणी तक बात पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। खाली भोजपुरी इंडस्ट्री से ना, हर इंडस्ट्री से लोग आए, हमारी रिक्वेस्ट बात। भैया आपने एक अभियान चालू किया है, परसों जब आप लोगों ने लाइव आए थे तो आपने कहा था कि हर दिन एक पोस्ट जाएगा, तो ये कब तक है क्या आप पोस्ट हर दिन पोस्ट करने वाले? बिल्कुल 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 जाएगा, और जब तक इंजेक्शन नहीं लग जाता है उनको तब तक जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ आने के बाद हम पहले भी बात किए थे भैया से, लेकिन यहाँ आने के बाद एक अलग तरह का माइंड में बात चल रहा था कि क्या कुछ किया जाए जिससे ये मुहिम और भी बड़ा हो सकता है। इसके लिए मैं भैया से बात भी किया, तो फिर लगा कि नहीं, अगर हम गाना गाते हैं कोई मान लीजिए नहीं सहयोग कर पाता है तो हमारा गाना भी सुन लेगा, उससे भी सहयोग हो सकता है, और गाना नहीं भी सुनेगा बाबू के फंड में ऐसे भी कुछ कर देगा तो सहयोग हो सकता है। सब का एक ही निचोड़ है कि हमको सहयोग करना है चाहे जैसे भी। 15 अगस्त तक का टारगेट रखा गया है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वो चल रहा है कि 15 अगस्त तक अयांश को फंड जो है 16 करोड़ इकट्ठा करना है, तो इस मुहिम को कितना आगे हो सकता है? ये तो अब हम लोग जितना ज्यादा हम लोग आगे आएंगे उतना ही हो सकता है कि 15 अगस्त से पहले ही हम लोग अपना 15 अगस्त और 14 दिन नहीं गिनना है। इसमें क्या है कि हम लोग जितना जल्दी आगे आए और अपना कदम बढ़ाए अयांश, क्योंकि आप सभी को पता है कि अयांश हर दिन कुछ ना कुछ अपना खो रहा है, और आप सब अगर आगे आएंगे, जितना जल्द आगे आएंगे, जितना जल्द इंजेक्शन लगेगा अयांश बाबू को उतना जल्द अयांश बाबू ठीक होंगे। तो प्लीज आप सभी की ओर से हमने हाथ जोड़ के निवेदन करूँ कि आप सब ये मुहिम में जरूर आए। भैया जो आपने गाना रिलीज किया है अंकुश राजा ऑफिशियल पर, दो लाइन हो जाए जरा। बिल्कुल, और इस गाने के माध्यम से हम बस जो संदेश यह बा हमने के गाना के माध्यम से कि आप सबके आगे आवे के बाद दो लाइन गाना। एगो लइका भारी संकट में आज बाटे हो, आगे आवो धर्म के काज बाटे हो, बड़ी महंगाई रोग के इलाज बाटे हो, बड़ुए सोरह बड़ुए 16 करोड़ के दवैया, तू अयांश के बचा लो मोर भैया, तू अयांश के बचा लो मोर भैया, बड़ी आइल बा कठिन समैया, तू अयांश के बचा लो मोर भैया, तू अयांश के बचा लो मोर भैया। हमने दोनों भाई के हाथ जोड़ के ये विनती बा कि अयांश बाबू के जीवन आप सबके हाथ में बा, काहे कि ये अमाउंट बहुत ही बड़ा बा, और जब तक आप सभी की हो सामने से ना आई आगे ना आई तो ये चीज संभव नहीं की, तो प्लीज आप सब जरूर आए। थैंक यू, धन्यवाद।